कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पिज्जा कटलेट्स। पिज्जा कटलेट्स के लिए जो चीजें हमें चाहिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पिज्जा कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑयल। हम लोगों ने इसको पहले हमने पैन एक रख लिया है, और पहले हम लोग एक पैन लेंगे। पैन में हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये हमने हम लोगों ने ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। फ्लेम हम लोगों ने ऑन कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने चिकन डाल दिया है ऑयल में। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग, जब तक ये चिकन वाइट नहीं हो जाता, हम लोग इसमें मजीद कुछ भी ऐड अभी नहीं करेंगे। अभी इसको हम लोग करते हैं वाइट। ये हम लोगों ने एक ब्रेस्ट ली थी चिकन की पिज्जा कटलेट्स के लिए। ये भी हमारा चिकन हो रहा है। जैसे ही होता है फिर हम आपको नेक्स्ट इसको दिखाते हैं इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। ये चिकन हमारा वाइट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं विनेगर। ये हम लोग हमने विनेगर ऐड कर दिया है, और इसको फिर इस दफा से इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अपना सॉल्ट और ब्लैक पेपर और रेड चिली, रेड चिली फ्लेक्स, ये हम लोगों ने ऐड कर दिए। साथ साथ हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से हिलाते भी रहना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा चिकन बन के माशाल्लाह से हमारा हो रहा है रेडी। अभी हम लोगों ने इसमें क्या करना है, चिकन हमारा तकरीबन तकरीबन आपको पता है ये बोनलेस चिकन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब हैं। आपको पता है ये फटाफट से हो जाता है कुक। अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं चिकन जो हम लोगों ने क्यूब्स में लिए हुए हैं। हम लोगों ने इसमें अनियंस ऐड कर दिए हैं। जैसे ही हमारे थोड़े से अनियन सॉफ्ट होता है फिर हम नेक्स्ट इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कैप्सिकम। ये हमारा ऑरिगेनो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं पिज्जा सॉस। अगर हमारे पास पिज्जा सॉस अवेलेबल ना हो तो हम लोग इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इसमें 2 टेबल स्पून हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं पिज्जा सॉस। और साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो। अभी हम लोगों ने इसमें और वो सारी चीजें अपनी ऐड कर दी हैं। इसको हम लोग 2 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। जैसे ही हमारा कुक होता है इसको भी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि ये कुछ से ठंडा हो, फिर हम इसकी करेंगे फिलिंग। इसकी लुक आप देख सकते हैं। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा स्पाइसी रखना है क्योंकि हम लोगों ने इसकी करनी है फिलिंग। मैश पोटैटो में हम इसकी फिलिंग करेंगे। मैश पोटैटो भी आपको पता है ज्यादा स्पाइसी नहीं होते, वो भी उसके भी नॉर्मल से उसमें स्पाइस होने हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा हल्का सा जरा स्पाइस इसमें तेज होना चाहिए। ये हमारा बनके हो चुका है तैयार। इसको हम लोग अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं इस लेवल पे आके ताकि ये ठंडा हो, और हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं अब क्या करना है। हम लोगों ने ग्रेवी बना के कर दी है साइड पे। जो हम लोगों ने चिकन बनाना था इसके अंदर फिलिंग के लिए वो हम लोगों ने साइड पे कर दिया है। ये हम लोगों ने ले लिए मैश पोटैटोस। हम लोगों ने 4 से 5 पोटैटोस लिए थे, उनको बॉयल करके उसको पील ऑफ करके उनके, तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम लोगों ने इनमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, हम लोगों ने ले लिया सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटी लाल मिर्च और ऑरिगेनो। ये सब चीजें हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। जैसे ये मिक्स होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोगों के मिक्स हो चुके हैं, ये मैच पोटैटोस भी रेडी हो चुके हैं, चिकन भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। जैसे आपको इजी कंफर्टेबल आप हैं उस तरह से आपने इसको रख के अच्छी तरह से इसको आपने फैला लेना है। देन आपने ये हमारा जो हमने फिलिंग इसकी रेडी की थी, हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग उतनी ही आपने ऐड करनी है जितनी के मुनासब हो, बहुत ज्यादा आपने इसमें फिलिंग ऐड नहीं करनी। अभी हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने लिए मोजरेला और चेडर चीज चॉप कर लिए हम लोगों ने। ये हम लोगों ने ऐसे उठा के इसमें हल्की सी इसके अंदर कर देनी है ऐड। ये हम लोगों ने इसको चीज को ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम लोगों ने अगेन अपनी जो चिकन रेडी किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, बस इससे ज्यादा नहीं।
ताकि हमारा जो है इसको अच्छी तरह से हमने फोल्ड भी करना है। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करते जाना है ताकि हम अच्छी तरह से इसको ऐसे बंद कर दें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह से हो गया है बंद। कहीं से भी हमें क्रैक इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से भी इसमें होगा क्रैक वहां से ऑयल भी अंदर जा सकता है और हमारी फिलिंग भी बाहर आ सकती है। ये अच्छी तरह से हम लोगों ने कवर कर दिया है। जितना भी आपको पता है ये पोटैटो है, जिस तरह भी आपने जिस साइड पे भी इसको लेके जाएंगे वो होता जाएगा। ये देखें ये हमारा साथ ही, अब हम इसको थोड़ी सी जरा दूसरी शेप दे लेते हैं, थोड़ी गोल में जरा बड़ा कर देते हैं। ये देखें ये हमारा कटलीस हो चुका है तैयार, मजेदार सा माशाल्लाह। इस तरह से हम लोगों ने अपने सारे कटलीस कर लेने हैं रेडी, और फिर हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। हम लोगों ने कटलीस बना शेप देनी थी, हम लोगों ने कटलीस तैयार कर ली है अपने, इसके अंदर हमने फिलिंग की है, फिलिंग करके हमने अच्छी तरह से इसको पैक कर लिया है। पैक करके हमने कटलीस की शेप अच्छी तरह से, बिल्कुल भी कोई क्रैक इसमें नहीं आना चाहिए। जैसे ही क्रैक आएगा तो इसके खुलने का खदशा रहता है कि ये कि खुल ना जाए, इसके अंदर ऑयल नहीं चले जाए। खैर अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने ये ले लिया चीजें, ये हम लोगों ने एक ले लिया अंडा, ये हम लोगों ने मैदा ले लिया, और ये हमने क्रम्स ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने ये दूध भी रखा है अंडे में, हम लोगों ने थोड़ा सा करना है दूध मिक्स, और अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको फेंट लेना है, अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। देन फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक कटली से ऐसे उठाना है, इसको मैदे में डिप करना है, मैदे में डिप करके रोल करके हमने मैदा इसका अच्छी तरह से ऐसे हाथों के साथ इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम लोगों ने छान लेना है। ये देखें आप ऐसे सारा एक्स्ट्रा मैदा जो है वो गिर जाएगा नीचे। फिर हम लोगों ने इसको अंडे में डिप करना है, अंडे में डिप करके अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको अंडा लगाना है, अंडा लगा के हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। फिर हम लोगों ने इसको डाल देना है क्रम्स में, ये हम लोग अब इसको ऐड कर देंगे क्रम्स में। ये हम लोगों ने इसको अच्छी तरह हाथों के साथ इसको क्रम्स लगा देने हैं, अच्छी तरह से हम लोगों ने क्रम्स ऐड कर देने इसको। अगर आप लोगों को इसके क्रम्स कम लगेंगे, आपको लगे कि ये ज्यादा क्रिस्पी नहीं हुआ, तो आप इसको दो दफा भी क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने क्रम्स लगाए, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे, अगेन हम लोग इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं। ये देखें ये हमारे अब क्रम्स लग चुके हैं, अभी हम लोग इसको रख देते हैं साइड पे। इसी तरह हम दूसरा उठाते हैं, इसी तरह हम लोगों ने वन बाय वन मैदा अंडा और क्रम्स की कोटिंग करके इसको फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं। लिया था ऑयल, ऑयल देख सकते हैं आप हल्का सा हमारा गर्म हो गया है। ये हमने हमारे जो थे कटलीस भी बन के बिल्कुल क्रम्स वगैरह लग के रेडी हो चुके थे। अब हम लोगों ने एक एक कटलीस उठाना है और इसको हम लोगों ने ऑयल में ऐड करते जाना है। ये देखें हम लोग बाकी भी इसमें ऐड करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको फौरी तौर पे इसको आप लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना, 2 से 3 मिनट के बाद, ताकि एक साइड से रेड होगा तो फिर हम लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। अभी हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगा रहे, जैसे ही होता है फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अब ये हमारा नीचे एक साइड से हो गया होगा हल्का हल्का, अब हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लगता रहे ज्यादा हमारा कलर ना आ जाए। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम साथ ही हम बाकी की भी साइड चेंज करते हैं। दोनों साइड पे हम लोगों ने इक्वली कलर लेके आना है, जो जैसा एक साइड पे कलर होगा वैसा ही दूसरी साइड पे भी कलर हमारा होना चाहिए, तो ही लुक इसकी अच्छी आती है। ये आप देख सकते हैं अब हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर दी है, माशाल्लाह बिल्कुल भी खुला नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई क्रैक नहीं था पहले भी जब हमने बनाया, अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इसमें ऑयल में ऐड किए हैं वैसे ही ऑयल में मौजूद हैं। तो अभी जैसे ही दूसरी साइड से होते हैं फिर हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं कि तो इसका कलर एक जैसा हो गया, तो फिर हम इसको ऑयल से रिमूव कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज फिर अगेन साइड चेंज करते हैं हम लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा कलर आ गया है, इससे ज्यादा हम लोगों ने इसको कलर नहीं देना, ये देख सकते हैं आप। अभी हम यहाँ से इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चिकन कटलीस बनके पिज्जा चिकन पिज्जा कटलीस बनके हो चुके हैं तैयार। इतनी अच्छी लुक आई है, ये क्रिस्पीनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, ये आपको पता लग रहा होगा, इसको देखने से पता लग रहा है इसकी क्रिस्पीनेस माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।